रुचिता अभी मंदिर गई थी निहार जी के नाम से भोग लेकर के, और वहाँ पे एक बहुत ही बेबस लाचार सी लड़की उससे टकरा गई, और रुचिता को उस पर बहुत ज़्यादा दया आया कि कौन है ये, अब ये कौन नई एंट्री होने वाली है उसके लिए तो आपको देखना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है ये जो ट्विस्ट आएगा, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव दिस, क्योंकि ये अभी तक जो हुआ है, अभी तक जो चल रहा है सीरियल में, उससे बहुत हटके है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और आप अनुमान लगा लीजिए क्या हो सकता है, किसकी एंट्री है, कौन हो सकती है ये लड़की। तो ये लड़की बहुत बेचारी सी है, इसके ऊपर इसके पीछे गुंडे लगे हैं, पीछा कर रहे हैं इसको, और रुचिता को इसके ऊपर बहुत दया आया कि कौन है ये लाचार सी, कौन क्यों इसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है। तो वो उसको लेकर के घर आ जाती है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं, वो काम ढूंढती है, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थी वो। तो रुचिता उसको लेकर घर जब आती है तो क्या होता है, निहार का रिएक्शन क्या है, माँ और पापा उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उस पर पूरी स्टोरी डिपेंडेंट है। तो बहुत मज़ा आने वाला है अभी जो ये ट्विस्ट आएगा ना, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव दिस, क्योंकि अभी तक जो चलता आ रहा है उसे काफ़ी हटके है ये, और बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप लोग। टू सी वॉट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट एपिसोड, इतने इतना ज़्यादा ड्रामा होने के बाद अभी जो ट्विस्ट आने वाला है, वो जानने के लिए, वो देखने के लिए प्लीज़ देखते रहिए मन सुंदर रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पे, मंडे टू सैटरडे। और मन सुंदर फैमिली और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। पता चला कि हमारा शो दंगल पे नंबर 1 हो चुका है, इतना लोगों को पसंद आ रहा है, ऑफकोर्स नंबर 1 पे है तो पसंद आ ही रहा है, तो जो जनता देखना चाह रही है हम जनता को वो दे रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली वो नए मेहमान की एंट्री के लिए, क्योंकि वो मेहमान की वजह से बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। मतलब हम लोग जब ऑफ स्क्रीन करने में हम इतना मजा आ रहा है कि अरे यार, कई बार होता है ना, हम जब एक शो देख रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं तो चाहते हैं क्या नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ। तो ये चीज़ इस ट्विस्ट में बहुत ऑडियंस को देखने को मिलेगी कि मतलब अब ये क्या आने वाला है, क्या खुलासा होने वाला है। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक। इस नए मेहमान के आने के बाद जिंदगी में भी कुछ बदलाव आएंगे? रितु की जिंदगी में नहीं, मेरे को नहीं लगता कि रितु की जिंदगी में कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि एज सच वो मुझसे कनेक्टेड ही है। मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझसे किसी तरीके से, हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, पर वो कैरेक्टर अभी मैं नहीं पहचान पाऊंगी। तो हाँ, ये हो सकता है कि मुझे ये पता ना हो कि वो वही कैरेक्टर है, क्योंकि मैं अभी बता नहीं सकती कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पर हाँ, कि हमारा एक रिश्ता है, पर वो क्या रिश्ता है ये मुझे कब पता चलेगा ये तो मैं भी नहीं जानती। बहुत अच्छा लग रहा है, और कई बार ये भी सवाल आ रहा है कि भाई क्यों ये इतने जुंड आ रही है, और ये शेड क्यों आ रहा है, ये कैरेक्टर ऐसे क्यों कर रही है। तो आई थिंक ये बहुत स्टोरी के लिए बहुत सक्सेस है कि जो चीज़ दिखाया जा रहा है इसका मतलब लोग उसको देख रहे हैं, उसको अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो बात उठ रही है, दैट इज़ रियली प्लेइंग वेल, और लोगों को लग रहा है कि भाई रुचिता के साथ जो हो रहा है वो गलत होगा। जो नई मेहमान आ रही है, इनफैक्ट अभी जो हम सीन शूट करने जा रहे हैं उसमें मुझे भी पता चलेगा कि घर में एक नई मेहमान आ रही है। उस किरदार का घर में आना, एक नए सदस्य के जैसे एक घर में आना, और उस वो किस करवट बैठेगी, क्या करेगी, इसको लेकर पूनम थोड़ा सा तो नापने की भी कोशिश कर रही है, लड़की को नापने की भी कोशिश कर रही है कि ये क्या इसकी लेंथ है और कितनी गहराई है और कैसे इसको साधा जाए। अभी तक तो जितने शेड्स आ रहे हैं उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, और करता धरता मैं ही हूँ और मेरी बहू है, मिल मिल के रोज़ नई प्लानिंग्स करते हैं और परेशान करते रहते हैं रुचिता को। अभी तक तो यही चल रहा है एंड द पीपल आर रियली इन्जॉइंग इट। नए मेहमान के लिए हम वैसे शूट करने जा रहे हैं अभी, अब जो सीन हम सीक्वेंस करने जा रहे हैं उसी में नया मेहमान आ रहा है, और अभी हमें भी नहीं पता है कि वो कौन है। रुचिता अपने साथ लेकर आई है, उसकी कहीं मुलाकात होती है वो लेकर आई है साथ में, बट इवन शी डज नॉट नो एनीथिंग, इवन हम लोग भी नहीं जानते हैं वो कौन है क्या है, हमारे लिए भी एक बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम अभी तक हर चीज़ अलग अलग दिखाते आए हैं, कुछ नया लेते आए हैं, तो इस बार भी हम एक नई एंट्री करवा रहे हैं, अमृता सुनहरी बनकर आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग देखें, इसे इंजॉय करें ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब टीवी में हमने ऐसा लुक कभी देखा नहीं होगा, थोड़ा सस्पेंस ड्रामा कि क्या होने वाला है, ये लड़की कौन है, क्योंकि कोई पहचान नहीं पाता है कि ये अमृता है।
यहाँ पे ना घर में किसी को पता है, ना उसकी खुद की बहन ऋतु को पता है कि ये कौन है, अमृता ऐसे क्यों आई है, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो तो आप देखते रहिए, मतलब आपको मजा ही आएगा आगे देखने। जी सर, ये एक महिला है तो अभी ज़्यादा डिटेल्स तो हम इसके बारे में दे नहीं सकते क्योंकि ये सस्पेंस है, बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो ये एंट्री हो रही है इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं मेरी और रुचिता के रिलेशनशिप में, मेरी फैमिली लाइफ में, हर तरीके से एक नया ट्विस्ट आएगा और जो अभी तक आप देखते आए हो उससे आई थिंक डबल खतरनाक ही आने वाला है। तो इतना ही बोल सकता हूँ कि दो हिंट्स दे सकता हूँ कि या तो ये रुचिता का साथ देगी या तो ये रुचिता के अगेंस्ट रहेगी, तो अब आप देखते रहिए आगे आपको पता चलेगा कि वो सपोर्ट करेगी रुचिता को या उसके अगेंस्ट रहेगी। देखो सबसे पहले मेरा नाम है शिवम खजूरिया, मैं निहार गोयल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मन सुंदर दंगल टीवी पे। एंड परसों सबको सब जानते हैं हमारे भारतवासी की 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, तो गणतंत्र दिवस हमारे लॉज वगैरह जो फॉर्म हुए थे 1950 में जितना मुझे याद है, तो रिपब्लिक डे से हमारी यही मेमोरी है कि छुट्टी होती है, लोग टीवी में परेड देखते हैं, जब हम स्कूल में थे तो हम पार्ट भी लेते थे परेड फंक्शंस में एंड ये सब में। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खुराना, आप मन सुंदर पे मुझे देखेंगे दंगल टीवी पे रात 8:30 बजे हर रोज, और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, मैं अपर्णा घोषाल पूनम गोयल का किरदार प्ले कर रही हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम मन सुंदर में, जो कि दंगल टीवी पर आता है रात 8:30 बजे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय गाइस, मैं हूँ मनीषा सक्सेना एंड मैं प्ले कर रही हूँ दंगल टीवी पे मन सुंदर पे ऋतु का कैरेक्टर, तो जरूर देखिएगा, और एट द सेम टाइम अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच वन ऑफ यू, आई लव यू ऑल।